नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने HDS फाउंडेशन चैनल में। तो साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, एक दो क्वेश्चन बचे हैं, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आज कुछ नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की जो क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल बनने वाला है आपकी एज के अकॉर्डिंग, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे होने वाला है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी तो खामोशी है, फिर शोर आएगा। कि अभी तो सिर्फ खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो साथियों दौर आएगा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास जो आज का टॉपिक है, जो मैं आज का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो टॉपिक है आज का, वो क्या है? फंक्शंस, ठीक है। हमने जो इसमें रिलेशंस जो पढ़ लिए हैं, चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है जिसमें हमने रिलेशंस पढ़ लिए हैं, लेकिन अब चलने वाला क्या है? फंक्शन। तो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक क्या है? फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि फंक्शन जैसे कि आपके शादी ब्याह वगैरह जो भी आपके यहाँ पे चलता है प्रोग्राम। तो देखो, बात ऐसी है कि अगर आप फंक्शन, उस वाले फंक्शन को और इस वाले फंक्शन को एक समझते हैं ना, तो आप फंक्शन में कभी टेंट वाले बन के, कभी बैंड वाले बन के वही बने रहोगे। आपको ये फंक्शन समझ नहीं आएगा, तो वो फंक्शन अटेंड करना कम करें, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इस फंक्शन की, कि ये वाला फंक्शन, मैथमेटिक्स वाला फंक्शन क्या है। तो फंक्शंस जैसे मॉडुलस एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे साइन एक फंक्शन है, कोस एक फंक्शन है, तो इनको बोलेंगे हम क्या? फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन, ठीक है। तो इनके बारे में बात करने वाले हैं, या फिर और बात करें इनके बारे में तो एक हो सकता है कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। कॉन्स्टेंट जैसे कि x इक्वल टू 5, तो ये एक फंक्शन बना हमारा, ठीक है। या कोई पॉलिनोमियल फंक्शन बोल दें, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, तो ये एक फंक्शन हुआ। तो इस तरीके के फंक्शन को हम फंक्शन बोलेंगे, शादी ब्याह वाले फंक्शन को फंक्शन मैथ की डेफिनेशन में फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लियरिटी, जो मैं फंक्शन की क्लियरिटी करना चाह रहा था, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फंक्शंस डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फंक्शन, जो बेसिक बात थी फंक्शंस की, तो वो तो हमने कर ली है यहाँ पे कि फंक्शन होते किस टाइप के हैं, कैसे होते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, क्या डिस्कस करने वाले हैं? टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास चलेगी आज की, आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग मैं यहां पे सब कुछ दिखाने वाला हूं। आपकी मेंटेलिटी, या फिर आप थोड़ा सा जिस एज से फेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं फंक्शंस को टाइप सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आप बने रहें। तो टाइप ऑफ फंक्शन में पहली चीज क्या आ रही है? पहली चीज मैं जो बताने जा रहा हूं, पहली चीज है 1-1 फंक्शन। कौन से फंक्शन? 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन,
या फिर इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये होते किस टाइप के हैं? वन वन फंक्शन। अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टली इसकी विदाउट डेफिनेशन बात करूं, विदाउट डेफिनेशन बात करूं, तो एक तरफ देखते हैं कि जो बेसिक फंडे के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि जैसे ये आपकी क्लास है जिसमें बॉयज हैं B1, B2, मैं एक्चुअल नाम नहीं लिख रहा हूँ, B3, B4, इस तरीके से आपके क्लास में चलो कुछ बॉयज हैं, दूसरी तरफ दूसरी क्लास में ठीक है कुछ गर्ल्स हैं G1, G2, G3, ठीक है। तो ये अगर B1 का रिलेशन G1 से, B2 का G3 से एंड B3 का G2 से, एक तरीके से ये इसको क्या बोलेंगे, डोमेन। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, कोडोमेन। मीन्स जो मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं कि एक क्लास में बॉयज हैं, एक क्लास में गर्ल्स हैं, ठीक है। तो वहां पे देखें कि एक बॉय का ठीक है जो आप समझते हो G1 से रिलेशन है, B2 का G3 से, मतलब सिंगल बॉय सिंगल गर्ल, मतलब इनका सिंगल सिंगल चल रहा है ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम अपने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक बॉय की एक गर्लफ्रेंड है राइट, तो ऐसे बात कर लेते हैं, तो इसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। इस टाइप की अगर कोई रिलेशन बनता है, इस टाइप का डोमेन के कोडोमेन में जो इमेज है, इसको क्या बोलते हैं, इमेजेस बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं ठीक है। तो एक बॉय की एक इमेज है दूसरी क्लास में, वो इमेज क्या है, ये वाली इमेज ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। आर यू गेटिंग मी? देखो बेसिक फंडे से मैंने चीज समझाई है इस तरीके से, तो इसको हम वन वन बोल सकते हैं ठीक है। अब बात करते हैं कि डोमेन की बात करते हैं, मतलब बॉयज कोई भी विदाउट रिलेशन नहीं रहेगा, मतलब गर्लफ्रेंड चाहिए तो चाहिए, तो कोई भी डोमेन में सिंगल खाली नहीं पड़ा रहेगा। B4 अगर है तो ये सिंग खाली नहीं रहेगा ठीक है, इसका कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। लेकिन यहां पे G4 विदाउट बॉयफ्रेंड रह सकते हैं ठीक है, तो ये इन सब का रिलेशन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें कोडोमेन में सिंगल बच सकता है, लेकिन डोमेन में कोई भी सिंगल सिंगल रहना ही नहीं चाहता, कोई भी बॉय सिंगल नहीं रहना चाह रहा। तो यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि ये वन वन फंक्शन है। एम आई करेक्ट? तो ये जो मैं बेसिक फंडे जो बेसिक डेफिनेशन से बताना चाह रहा था आपको वो है। अब मैथमेटिक्स की डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन f आर डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, कि एक फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये f फंक्शन के अकॉर्डिंग, एक फंक्शन के अकॉर्डिंग डोमेन और कोडोमेन मींस
इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अंडर द एक्स फंक्शन आर डिस्टिंक्ट, मतलब हर बॉय की एक इमेज है, हर बॉय की एक इमेज है, हर बॉय की एक इमेज है, और वो भी अलग अलग डिस्टिंक्ट, ऐसे नहीं कि एक बॉय की दो गर्लफ्रेंड हो। आर यू गेटिंग मी? एक बॉय की एक गर्लफ्रेंड, तो इसको क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। तो चलिए आगे चलते हैं, मींस इमेज या फिर कोडोमेन में विदाउट रिलेशन हो सकता है, विदाउट रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो जी फोर खाली भी रह सकती है, विदाउट रिलेशन रह सकती है, सिंगल भी रह सकती है, ठीक है, लेकिन आजकल नहीं रहती है, वो बात अलग है, उसको आप नोटिस ना करें, लेकिन वन वन फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके साथ अगले वाले पार्ट का। अगला वाला क्या है? मैनी वन फंक्शन। क्या है मैनी वन? मैनी वन मैनी वन फंक्शन। तो देखो मैनी वन फंक्शन सेल्फ डिफाइंड है। मैनी वन, मैनी का मतलब ज्यादा और वन का मतलब एक के एक से ज्यादा, ठीक है। तो जिसमें एक या एक से ज्यादा इमेजेस हों, ठीक है, जिसमें एक या एक से ज्यादा इमेजेस हों, तो उसको क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से देखिए, ये क्लास आपकी, इस रो में बॉयज हैं बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, ठीक है। इधर गर्ल्स हैं जी वन जी टू जी थ्री जी फोर, ठीक है। तो अब बात करें इसमें मैनी वन की बात करें, मैनी वन फंक्शन इस तरीके से कैसे होगा कि ये वाला बॉय है इससे रिलेटेड, ये सिंगल नहीं इससे रिलेशन है उसका, इस वाले बॉय का इससे रिलेशन है, ठीक है, इस वाले बॉय का इससे रिलेशन है, लेकिन इस वाले बॉय का बी वन बॉय का बी फोर से भी रिलेशन है। दैट मीन्स मैनी वन लड़का बहुत चालाक है, लड़का बहुत चालाक है, एक साथ दो दो घुमाता है, एक साथ दो दो घुमाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन इसको क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। तो ऐसे चालाक लोगों से बच के रहना चाहिए, वरना फंक्शन कौन सा बन जाएगा? मैनी वन फंक्शन। तो डेफिनेशन की वाइज आप देख ही सकते हैं कि इमेजेस आर नॉट डिस्टिंक्ट इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ आर नॉट डिस्टिंक्ट। आर यू गेटिंग मी? मीन्स एक लड़के के पास दो गर्लफ्रेंड है, आर यू गेटिंग मी? तो ये क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा है, मीन्स विदाउट रिलेशन नहीं है, मीन्स सिंगल नहीं है, ठीक है। तो इस वाले एक्स का हर की एक इमेज है। चलिए अब आगे इसके अलावा, मैनी वन फंक्शन के अलावा और बात करते हैं, ऑन टू फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करते हुए ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ऑन टू फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो अभी मैंने दो फंक्शन आपको बता दिए हैं, और ये आपको अब मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी ये भूलेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है, थर्ड फंक्शन कौन सा हुआ? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कैसा होता है? ऑन टू, चलिए बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन की। क्या बात करने वाले हैं ऑन टू फंक्शन की?
चलिए ऑन टू फंक्शन की बात करें तो डेफिनेशन वाइज बात कर लेते हैं, इफ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से तो बात करेंगे ही करेंगे, इफ एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ, अंडर द फंक्शन कौन सा एफ, ठीक है। मतलब साफ है यहां पे कि अगर y के अंडर में कोई इमेज है x की f के अंडर में, फंक्शन अंडर द f, ठीक है। अब चलिए इसको अपने वाले तरीके से समझते हैं। तो यहां पे देखिए ये डोमेन है, डोमेन मतलब बॉयज b1 b2 B3, B4, इधर मान लेते हैं ये गर्ल्स हैं G1, G2, G3, G4, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे B5 भी है, इस क्लास में लड़के ज़्यादा हैं, समझो बात को समझो। अब बात करते हैं कि ये वाई वाला सेट है जो भी, इसके एलिमेंट्स ये हैं G1, ये इससे रिलेटेड है और ये वाली गर्ल्स इससे रिलेटेड है B5 से, मतलब B4 बेचारा इस बार खाली बैठा है, मीन्स ये सिंगल है, ठीक है। तो ये कोई भी गर्ल्स, मतलब साफ है साहब, आजकल कोई भी गर्ल सिंगल रहना ही नहीं चाहती, तो यहाँ पे भी ऑन टू फंक्शन आ गया, मतलब कोई भी गर्ल सिंगल नहीं रहेगी ऑन टू फंक्शन में। आर यू गेटिंग मी? तो बी हर एक गर्ल का एक बॉयफ्रेंड है, तो यहाँ लेकिन बॉय फोर है जो B4 है वो बेचारा सिंगल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको इस चीज़ से समझ में आ गया, इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ B1, B2, B3, B4, ये G1 है, G2 है, G3 है, G4, तो सबका एक एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो सिंगल ही हो किसी क्लास में, लेकिन कोई भी गर्ल सिंगल नहीं रहेगी, मतलब आजकल सिंगल रहना पसंद नहीं करती हैं। आर यू गेटिंग मी? तो उसको क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन, उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले वाले फंक्शन की, अगले वाले तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत आसानी से, ठीक है। अगले वाले फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन है 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, वन वन फंक्शन, ठीक है। 1-1 फंक्शन तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो 1-1 फंक्शन के साथ 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे? 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, इज इट करेक्ट? ठीक है। अब जब 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो उसको और क्या बोल सकते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा? बाइजेक्टिव। देखो इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको
पूछा जाता है कि वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बतानी होंगी, मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता करनी होती है। मैंने एग्जाम्पल से आपको बहुत आसानी से चीजें एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की या फिर वन वन और ऑन टू की। अब वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू भी हो तो कब हो सकता है ऐसा? चलिए अपन इसको फिर वही एग्जाम्पल अपना उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। वन वन क्या कहता है कि हर एक बॉय की एक गर्लफ्रेंड हो, वन वन ये कहता है, ठीक है। तो मैं इसको वन वन बना देता हूँ पहले, बी टू बी थ्री बी फोर, जी वन जी टू जी थ्री जी फोर, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी एक इमेज है, ये इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। ये इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये सबका सबकी गर्लफ्रेंड हो गई सारे बॉयज की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया वन वन। अब ओन टू क्या कहता है? ओन टू कहता है कि कोई भी गर्ल सिंगल नहीं रहेगी। यहां पे तो वन वन में सिंगल नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो जब फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी होगा और वन वन भी होगा, तो मतलब एक बैलेंस सा बना रहेगा, ठीक है। देखिए ये जरूरी नहीं कि बी वन का जी वन से ही चक्कर हो, ठीक है। ये बी वन का जी वन से ही चक्कर हो ऐसा नहीं है, बी वन का जी थ्री से भी हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? तो मतलब रिलेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ही आप सोचें कि डायरेक्टली यहाँ क्यों बनाया है, तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये तो मेरे लिए आसानी है इसलिए मैंने सीधा सीधा बना दिया। तो एक बैलेंस कंडीशन आती है जब बी वन और जब नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल होते हैं तो बैलेंस कंडीशन होती है, ठीक है। तब उसको क्या बोल देंगे हम? वन वन एंड ऑन टू। तो इस कंडीशन में ये दोनों ही है, वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, तो दोनों टाइप के फंक्शन मिलते हैं इसको, तब इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। अगर मान लो, सोचो कि यहाँ पे एक बॉय सिंगल रह जाता बी फाइव, तो क्या ये वन वन फंक्शन होता? नहीं होता, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता। मान लो कि इधर एक गर्ल सिंगल रह जाती, तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होता? नहीं होता। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि इसके इसका भी कोई ना कोई बॉयफ्रेंड रहे, ठीक है, तब जाके ये ऑन टू कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑन टू भी नहीं होता। तो जब बैलेंस कंडीशन है तब ही जाके ये वन वन और ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते, और एक्चुअल लाइफ में भी अगर आप देखें तो यही सिचुएशन है जहाँ पे सब लोग सेटिस्फाई रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपनी क्लास में वन वन और ऑन टू वाले फंक्शन बनाए रखें तो फायदा रहेगा सबको। तो यहाँ पे मैंने सारे फंक्शंस डिस्कस कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा चीज़ों की। देखिए फंक्शन पहले रिलेशन हमने उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर रहे थे हम टाइप ऑफ फंक्शंस की। तो आपको क्या है कि अब जो एक्सरसाइज के एग्जांपल्स और क्वेश्चन होने वाले हैं, एक्सरसाइज कौन सी होगी? 1.2 जो मैं अगले क्लास में कराने वाला हूँ। तो इसमें क्या है कि अपने को पता करना होगा कि वन वन है या ऑन टू है या मैनी वन फंक्शन है। तो फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है, उसकी डोमेन और कोडोमेन बताई गई है। डोमेन और कोडोमेन मींस क्या होगा? डोमेन क्या होगा कि भाई डोमेन नेचुरल नंबर्स सारे, यहाँ पे ये नहीं बोला ना कि टॉप फाइव बॉयज ही, ऐसा तो नहीं बोला। तो ऐसे बोल देता कि टॉप फाइव बॉयज तो वो डोमेन हो जाती, ठीक है। क्लास में तो 30-40 स्टूडेंट हैं, लेकिन टॉप फाइव स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होता तो
तो सिचुएशन अलग होती, तो इसलिए हम डोमेन डिफाइन करेंगे नेचुरल नंबर या रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि उसकी क्लास का तरीका अलग है। और ऐसे ही हम कोडोमेन भी डिफाइन करेंगे क्वेश्चंस में, नेचुरल नंबर्स डिफाइन करेंगे, मतलब कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, या रियल नंबर डिफाइन करेगा, तो क्वेश्चन में ये चीज़ें डिफाइन की जाएंगी, तो उसके बेसिस पे हम वन वन या ओन टू फंक्शन, फिर इसके साथ साथ डिफाइन क्या किया जाएगा, फंक्शन, फंक्शन कैसा है, फंक्शन दिया होगा एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये वन वन फंक्शन है या ओन टू है, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तो आई होप चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, क्लास को शेयर करिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी इतनी अच्छे लेवल पर क्लासेस चली रहेंगी। थैंक यू।